हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और वार्निंग, 2021 में रिलीज होने वाली लेटेस्ट स्काईफाई मूवी है जिसकी घटनाएं नियर फ्यूचर की हैं। एक ऐसा टाइम जब इंसानों ने कंप्यूटर्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेइंतहा तरक्की कर ली है और अब सोसाइटी कैसे इन सबको अडेप्ट कर रही है, ये सब बेहद रोमांचक तरीके से मूवी में दिखाया गया है। मूवी में टोटल 6 मिनी स्टोरीज है जो की 6 डिफरेंट लोगों की है और हर स्टोरी में टेक्नोलॉजी एक अलग भूमिका निभाती है और लास्ट में एक ऐसी ग्लोबल इवेंट होती है जो कि इन सब स्टोरीज को मीनिंग देती है। सो हम बारी बारी से सबको कवर करेंगे। सो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है डेविड से, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है और स्पेस में है। डेविड अभी एक सैटेलाइट को ठीक कर रहा होता है। अब यहाँ किसी वजह से सैटेलाइट में स्पार्किंग होती है जिससे डेविड की सेफ्टी वायर उससे टूट जाती है और वो डीप स्पेस में जाने लगता है। अब इसके बाद डेविड का कंट्रोल रूम से भी कनेक्शन टूट जाता है और अब वो इस पृथ्वी से दूर अकेला स्पेस में तैर रहा है। उसके पास सूट में सिर्फ कुछ ही दिन की ऑक्सीजन बची है। अब यहाँ से मूवी में दूसरी स्टोरीज को दिखाया जाता है और डेविड की स्टोरी को मूवी के लास्ट में कंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपका सिर्फ एक मिनट चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ हमें अर्थ पर एक वर्कशॉप दिखाई गई है जो कि ब्रायन की है और यहाँ पर रोबोट्स को बनाया और बेचा जाता है। अब ये सब रोबोट्स AI की मदद से खुद से सोच पाने और एक्शन ले पाने में सक्षम थे। तो इस समय में इन रोबोट्स को वो लोग लेते हैं जो कि मेनली अकेले थे और ये रोबोट्स उनसे बातें कर सकते थे और इसके अलावा इन्हें घर के काम करने के लिए भी बनाया गया था। सो अब यहाँ वर्कशॉप में हम देखते हैं कि ओलिविया नाम की लड़की रोबोट खरीदने के लिए आई है और ब्रायन उसे चार्ली नाम का रोबोट दिखाता है और ओलिविया उससे बात करती है। बट चार्ली को बूढ़े लोगों के साथ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सो ओलिविया को पसंद नहीं आता है और वो उसे लेने से मना कर देती है। अब इसके बाद ब्रायन चार्ली को फिर से उसके चार्जिंग बॉक्स में भेज देता है और अंदर जाकर फोन करके लोगों को चार्ली को लेने के लिए बोलता है। बट अब इस तरह के रोबोट्स को कोई लेना नहीं चाहता था तो ब्रायन को हर कोई नए रोबोट्स के लिए ही बोलते हैं जो कि घर के सारे काम भी कर पाए। अब इसी बीच ब्रायन CCTV से देखता है कि चार्ली अपने बॉक्स में बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के किसी दूसरे रोबोट के साथ डांस कर रहा है। तो वो ये समझ जाता है कि चार्ली किसी भी दूसरे रोबोट से ज्यादा अच्छे तरीके से सोच रहा है और चूंकि उसे कोई ले भी नहीं रहा था सो वो चार्ली को नष्ट करने का डिसाइड करता है। अब वो चार्ली को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे उसकी रिपेयरिंग करनी है सो उसे आंखें बंद करके लेटना होगा। अब चूंकि चार्ली बाकी रोबोट से ज्यादा इमोशंस रखता था और ज्यादा समझदार था तो वो समझ जाता है कि ब्रायन उसे नष्ट करने वाला है। सो वो ब्रायन को कहता है कि उसे पता है कि जो रोबोट्स नहीं बिकते हैं उनके साथ क्या होता है बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो म्यूजिक सुनते हुए मरना चाहता है। सो ब्रायन चार्ली का फेवरेट सॉन्ग चलाता है और उसे मशीन में नष्ट कर देता है। हालांकि ब्रायन को भी चार्ली के लिए काफी दुख होता है और वो भी आंखों में आंसू लिए वहाँ खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि कोई कैसे इतना आसानी से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर सकता है और ये स्टोरी यही खत्म हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में ब्रायन के सामने भी चार्ली के जैसी ही सिचुएशन आने वाली है सो वो आपको बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट स्टोरी में हमें क्लेयर नाम की लड़की दिखाई जाती है और यहाँ एक नया डिवाइस भी दिखाया जाता है जिसे गोड कहा जाता है। दरअसल ये डिवाइस एक AI प्रोडक्ट होता है जो कि इतना एडवांस है कि ये क्लेरा को सुबह उठाता है, फिर उसे इंस्पिरेशनल कोट सुनाता है और उसके सवालों के जवाब भी देता है। इसके अलावा क्लेरा की गलतियों पर उसे डांटता भी है। इस गोड वाले AI डिवाइस को आप आज के एलेक्सा और सीरी जैसे वॉइस सर्विसेज का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। तो अब एक रात इस डिवाइस में एक नई अपडेट आती है और क्लेरा उसे अपडेट पर लगाकर सो जाती है और जैसे ही वो सुबह उठती है तो देखती है कि ये डिवाइस बंद हो जाता है। अब क्लेरा को इस डिवाइस की इतनी आदत लग गई थी कि वो एक भी मिनट इसके बिना नहीं रह पाती थी क्योंकि सुबह क्लेरा को उठाने से लेकर उसके एक्सरसाइज के टाइम तक म्यूजिक लगाने तक का काम सब कुछ ये डिवाइस ही करता था और क्लेरा इस पर बहुत डिपेंडेंट हो चुकी थी। सो वो कस्टमर केयर में कॉल करती है जहाँ उसे बताया जाता है कि अब चूंकि इस डिवाइस का नया वर्जन गोड 2.0 आ चुका है सो ये नई वाली अपडेट पुराना डिवाइस उठा नहीं पाया और बंद हो गया सो उसे उनके ऑफिस आना होगा। अब क्लेरा उनके ऑफिस जाती है जहां उसे ये बताया जाता है कि उसे पुराने डिवाइस की जगह पर नया डिवाइस गोड 2.0 फ्री मिलेगा बट इसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे सो उन्हें हटाने के लिए उसे इसका प्रो वर्जन खरीदना होगा
जो कि काफी महंगा था। सो क्लेरा उस प्रो वर्जन के लिए मना कर देती है। तो अटेंडेंट उसे कहता है कि उसे ये डिवाइस कल तक उसके पास पहुंच जाएगा। अब चूंकि वो डिवाइस कल तक आने वाला था, सो क्लेरा को एक दिन उसके बिना रहना था। तो अटेंडेंट उसे कहता है कि जब तक नए वाला डिवाइस उस तक ना पहुंचे, तब तक उसे पुराने टाइम की तरह प्रे करना होगा, यानी कि पुराने टाइम की तरह सीधे हाथ जोड़कर। बट क्लेरा घर जाकर ये ट्राई करती है, बट चूंकि उसे गॉड डिवाइस से आंसर मिलता था, बट इस बार उसे कोई आंसर नहीं देता। सो वो बेचैन हो जाती है और समझ जाती है कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से उसे इन सब का आदि बना दिया है। सो अब नेक्स्ट डे वो नया डिवाइस उसके घर आता है, जिसे वो आते ही बाहर फेंक देती है और ये स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर आपने अभी तक ध्यान ना दिया हो तो इस स्टोरी में हमारी आस्था को मेटाफर में यूज किया गया है कि कैसे आने वाले टाइम में हमारी आस्था का फायदा उठाया जा सकेगा, जब लिटरली गॉड नाम की डिवाइसेस को लोगों को बेचा जाएगा। अब यहाँ पर डेविड, जो कि स्पेस में अभी भी तैर रहा था, वो अपने ऑक्सीजन चेक करता है और वो पाता है कि वो अभी भी 6 दिन तक यहाँ जिंदा रह सकता है। अब यहाँ से मूवी में नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि नीना अपने बॉयफ्रेंड लियम के साथ एक कार में है, जहाँ लियम उसे आज रात अपनी फैमिली से डिनर पर मिलवाने वाला है और फिर वो उन्हें बताने वाला था कि वो नीना से शादी करना चाहता है। बट नीना उससे कहती है कि क्या उसकी फैमिली उस जैसी लड़की को देखकर खुश होगी, जिस पर लियम उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीना के डर की वजह कुछ स्पेशल है, जो कि हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगी। अब लियम नीना को लेकर घर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी फैमिली बहुत ही अमीर है और उनका घर भी बहुत आलीशान है। अब यहाँ लियम नीना को अपने पिता और बहन से मिलवाता है और अब रात हो चुकी थी, जहाँ लियम की माँ भी उसकी फैमिली के साथ डिनर पर थी। और यहाँ हम पाते हैं कि लियम की माँ इस फैमिली में सबको कंट्रोल करती है। तो यहाँ लियम नीना को उसकी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इस टाइम तक इंसानों ने एंटी एजिंग इक्वेशन ढूंढ ली है और अब इंसान खुद की उम्र को बढ़ाने से रोक पाने में सक्षम है। और अब लियम की पूरी ही फैमिली इमोर्टल हो चुकी है, यानी कि वे जब तक चाहे खुद को एक ही उम्र में रख सकते हैं और बिना किसी अननेचुरल कॉज के उनकी डेथ भी नहीं हो सकती। और कार में जब नीना और लियम बैठे थे, तब नीना इसीलिए इतना डर रही थी क्योंकि नीना नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहती थी और लियम की फैमिली खुद को इमोर्टल रखना चाहती थी। तो अब यहाँ जब लियम की माँ को ये पता चलता है कि नीना नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहती है, तो वो इससे खुश नहीं होती और लियम को उसके साथ रहने से मना कर देती है। हालांकि वो लियम को इतना कहती है कि वो जब तक चाहे नीना के साथ रह सकता है और जब नीना मर जाए तो उसकी यादों को अपने दिमाग से मिटा दे। अब अगर आपको ये ना पता हो तो इस समय तक इंसानों ने किसी की भी यादों को मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी भी ढूंढ ली है। बट लियम यहाँ अपनी माँ और फैमिली को कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता और वो ये कहकर सबको हैरान कर देता है कि अब से वो भी नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही लाइफ जीना चाहता है और नीना के साथ ही बूढ़ा होकर मरना चाहता है। अब ये सब सुनकर लियम की फैमिली काफी अपसेट हो जाती है और लियम से लड़ने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वे नीना को भी कहते हैं कि उसी ने उनके बेटे को ब्रेन वॉश किया है, जिससे वो अब अमर नहीं रहना चाहता। सो नीना इन सब से दुखी होकर बाहर आ जाती है और सिगरेट पीने लगती है। बट तभी अचानक से लाइट चली जाती है और नीना घर के अंदर भागती है, जहां वो देखती है कि लियम की माँ लियम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो जल्दी से लियम को ढूंढने नीचे जाती है। बट तब तक लियम खुद ही उसे एक जगह खड़ा हुआ मिलता है, जहाँ वो नीना से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अब नीना यहाँ समझ जाती है कि उसकी माँ ने लियम के दिमाग से उसकी सारी यादों को मिटा दिया है। सो अब नीना लियम को उसके घर पर छोड़कर वापस आ जाती है और ये स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब तक की सारी स्टोरी से आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा कि अब तक सब कुछ डेथ के ही अराउंड चल रहा है, जहां वो एस्ट्रोनॉट अब भी मौत से जूझता हुआ स्पेस में तैर रहा है। वहीं अब उसने अपनी बेटी एमा के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर वो ना बच पाए तो ये रिकॉर्डिंग्स उसकी बेटी तक पहुंच सके। अब यहाँ हमें इस मूवी की लास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी एक होटल रूम में आया है और वहाँ अंदर जाकर वो कुछ सेक्स टॉयज निकालता है, जो कि काफी अजीब है क्योंकि ऐसे सेक्स टॉयज मेनली फीमेल्स के लिए होते हैं। अब यहाँ हम उसके लैपटॉप पर एक लड़की का फोटो होता है,
जिसके साइड में बॉडी रेंट लिखा हुआ था। सो अब ये बॉडी रेंट क्या है इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमें आगे पता चलेंगी। अब हमें वही लैपटॉप वाली लड़की को दिखाया जाता है जहां वो अपनी माँ के साथ रह रही है। यहां हम देखते हैं कि इनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है और इसकी माँ भी हमेशा नशे में रहती है। सो अब ये लड़की जिसका नाम मेगेडा था वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसने एक आदमी को अपनी बॉडी रेंट पर 2 दिन के लिए दी है। अब यहां से हमें बॉडी रेंट के बारे में पता चलता है कि कोई भी आदमी कुछ टाइम के लिए किसी को पे करके अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे की बॉडी में सीमित समय के लिए ट्रांसफर कर सकता है और इसके बाद उस सीमित समय में वो किसी और की बॉडी को फुली यूज कर सकता है। उसके सेंसर्स सब उसे अपने जैसे ही लगते हैं। सो यहाँ मेगेडा अपनी फ्रेंड को बताती है कि 2 दिन तक उसकी बॉडी रेंट करने के बाद में उसे बहुत से पैसे मिलने वाले हैं जिससे कि वो 6 महीने तक आराम से अपना हाउस रेंट पे कर सकती है। सो अब मेगेडा उसी होटल रूम में जाती है जहां उसे उस आदमी ने बुलाया था और अब यहां एक दूसरी लेडी उन दोनों को बॉडी स्वैपिंग प्रोसेस में डालती है। हालांकि यहां मेगेडा उस औरत से पूछती भी है कि क्या हो अगर वो आदमी इसकी बॉडी में आकर इसको कोई नुकसान पहुंचाए, तो वो औरत उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उतना ही नुकसान उसकी रियल बॉडी को भी होने वाला है। और अब ये प्रोसेस पूरा होता है जहां उस आदमी की कॉन्शियसनेस मेगेडा की बॉडी में आ जाती है और उसकी खुद की रियल बॉडी नेक्स्ट 2 दिन के लिए बेहोश रहने वाली थी। सो अब सबसे पहले मेगेडा की बॉडी में आकर वो आदमी खुद से फिजिकली सेक्स करता है उन टॉयज के सहारे जो वो लाया था और फिर तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाता है जहां उसे होटल के ही नीचे उसी होटल का रिसेप्शनिस्ट मिलता है जिसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। सो वो उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाएगा। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि इस लड़की की बॉडी को कोई 45 साल का आदमी कंट्रोल कर रहा है। अब वे दोनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां उन्हें वहां 2 लड़कियां और मिलती है जो कि उन्हें कहती है कि उनके पास ड्रग्स है। सो अगर कोई रूम हो तो वे उसे वहां ले सकती है और तभी वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि मेगेडा के पास एक रूम है। हालांकि मेगेडा उन्हें अपने रूम में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि वहां उसकी रियल बॉडी भी मौजूद थी, बट वे तीनों ही नहीं मानते। सो मेगेडा उन्हें अपने रूम में लाती है बट उनके अंदर आने से पहले वो उसकी रियल बॉडी को एक बेड के नीचे छुपा देती है और फिर वे तीनों अंदर आते हैं जहां वे ड्रग्स लेते हैं। अब यहां नशे में वो रिसेप्शनिस्ट मेगेडा से रेप करने की ट्राई करता है बट मेगेडा उसे हटाने लगती है जिससे गुस्सा होकर वो मेगेडा को मारने लगता है। हालांकि तभी बाकी 2 में से एक लड़की उसे बचाती है और चूंकि मेगेडा अब बेहोश हो चुकी थी तो उसकी जैकेट में उसके एड्रेस पर वो उसे छोड़ आती है। अब मेगेडा को होश आता है और वो जल्दी से होटल की तरफ जाती है बट तभी हर जगह टीवी और रेडियो पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि कई सारे बड़े बड़े मीटियोराइट्स अर्थ पर गिरने वाले हैं, तो सबको जल्दी से किसी सेफ अंडरग्राउंड जगह पर जाना चाहिए। अब यहाँ हर जगह अफरा तफरी मच चुकी थी जहाँ हमें एमा भी दिखाई जाती है जो कि स्पेस में गुम हुए एस्ट्रोनॉट डेविड की बेटी है। और अब मीटियोराइट्स अर्थ पर गिरने लगते हैं जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है और वहाँ रहने वाले सब मर जाते हैं। वहीं डेविड अब स्पेस में दूर से तैरता हुआ ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि वो कब से मरने का वेट कर रहा था बट वो अभी तक जिंदा है और बाकी के सब लोग अब मर चुके हैं और वो ही अब एक इकलौता जीव है इस यूनिवर्स में जो कि जिंदा है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वैसे इस मूवी की सभी स्टोरीज को इकट्ठा ना दिखा के सबको थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है जिससे कि देखने वालों को ये मूवी समझ नहीं आती है। सो इसीलिए मैंने सभी स्टोरीज को अलग अलग और एक एक करके कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर मुझे अप्रिशिएट करें और वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।